नमस्कार, के न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू जी। ट्रांसपोर्ट विभाग बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है अगर आम जनता की बात कर लें, क्योंकि उसको रोजाना सड़क से या परिवहन विभाग के नियम कानून के दायरे में ही रह करके अपने वाहन व्हीकलों को चलाना होता है या अपनी दूरी को तय करना होता है। सड़क सुरक्षा भी इससे जुड़ा हुआ अहम माना जाता है विभाग को। आज हमारे साथ धीरज साहू जी हैं और उनसे सीधे जानते हैं कि आखिर परिवहन विभाग अपनी योजनाओं को लेकर के किस तरह से क्रियान्वित कर रहा है उन योजनाओं को और कैसे उनको बेहतर ढंग से लागू करेगा। धीरज जी, के न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, बतौर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आप क्या मानते हैं कि इस विभाग को और बेहतर ढंग से कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है या कौन सी चीज़ें हैं उनको लागू करना बहुत आवश्यक है? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि परिवहन विभाग जो है वो जनता की आवश्यकता से सीधा जुड़ा हुआ है। हम आज का आधुनिक युग की कल्पना ही नहीं कर सकते बिना परिवहन के। शहरों का साइज बढ़ रहा है और इसी के साथ आदमी की परिवहन की आवश्यकता भी बढ़ रही है। जो हमारी जनता का सीधा परिवहन विभाग से जो संपर्क आता है, सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस के आवश्यकता के रूप में आता है। इसके बाद यदि व्यक्ति खुद अपनी गाड़ी खरीद रहा है तो उस गाड़ी के पंजीकरण के लिए आता है। तीसरा, एक सामान्य यात्री के रूप में सड़क पर जो चल रहा है वो यदि, तो उसके जीवन से की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो सड़क सुरक्षा का बिंदु है वो उसको टच करता है। हम इन सभी पहलुओं पर बड़ी गंभीरतापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम इसका जो भी जो इसमें जो भी हम जनता को सेवा दे रहे हैं किस तरह से सुलभ कराई जाए, बेहतर से बेहतर सेवा। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ड्राइविंग लाइसेंस का काम है हमने अपने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ऑनलाइन कर दिया है। एक नया सिस्टम जो कि सारथी 4.0 के नाम से जाना जाता है, इसके तहत अब हम ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर रहे हैं। आदमी अपने घर पे बैठ के या किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जहाँ पर कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है और उसे कोई भी मैनुअल एप्लीकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सर पहले RTO ऑफिस में जाता था आदमी, कंप्यूटर से फिलअप करना पड़ता था, वो अब घर बैठे ये सब सुविधा ले सकता है? बिल्कुल, वो अपने घर से कर सकता है या सार्वजनिक स्थान पर कॉमन सर्विस सेंटर सरकार ने खोले हुए हैं। प्रदेश में लगभग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिला के लगभग 70,000 ऐसे सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ पर कहीं भी जा सकता है। सर, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर के भी समस्या आती कि जहाँ से ओनर गाड़ी लेता है, सपोज़ करिए किसी भी सेंटर से उसने लिया तो वहीं से उसको बाद में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देना पड़ता है, उसके कुछ शुल्क भी जमा करते हैं ये लोग, तो क्या इसको भी ऑनलाइन प्रक्रिया के तौर पे आप लागू करेंगे कि जिससे घर बैठे लोग रजिस्ट्रेशन करा सकें? मनीष जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, गाड़ी खरीदने तो आदमी को डीलर के पास जाना पड़ता है, जो भी उसका ऑथराइज डीलर है, जिस कंपनी की गाड़ी वो खरीद रहा है उस ऑथराइज डीलर के पास जाना पड़ता है। सरकार ने इसके लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था विकसित करी है, इसका नाम दिया है वाहन 4.0। इस व्यवस्था के तहत डीलर को जिम्मेदारी दी गई है कि जब कोई ग्राहक आके उनसे गाड़ी खरीद रहा है तो ग्राहक की पूरी सूचना, गाड़ी की पूरी सूचना वो ऑनलाइन दर्ज करके RTO कार्यालय भेजता है और RTO कार्यालय उस सूचना के आधार पर डीलर को एक पंजीकरण संख्या आवंटित करता है। आपको शायद आपके संज्ञान में ये बात हो कि 1 अप्रैल 2019 से भारत सरकार ने ये व्यवस्था लागू करी है कि सभी नई गाड़ियों पर डीलर के द्वारा ही HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट भी लगाई जाएगी। तो जब हम पंजीकरण संख्या आवंटित कर देते हैं तब डीलर की जिम्मेदारी होती है कि वो HSRP प्लेट उस पर लगाए, वो उसी पंजीकरण संख्या को उसमें छपवाता है और ये उसी को वही लगाता है और उसके बाद जो है गाड़ी जो है स्वतंत्र है। ट्रांसपोर्ट विभाग अगर बात कर लें, सड़क सुरक्षा की आपने भी बात कही, सड़क सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है। सड़क पे गड्ढे हैं या गाड़ी ख़राब है, दोनों ही व्यवस्था में नुकसान जो है वो यात्री का है, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, तो इसको और जैसे हेलमेट एक कंपलसरी भी किया गया है, ये एक अच्छा कदम है,
लेकिन और इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, जागरूक कैसे करेंगे आम पब्लिक को, क्योंकि एडवर्टीजमेंट भी बहुत लिमिटेड दिखाई देते हैं, तो इसको लेकर के सड़क सुरक्षा के बारे में आप क्या खास बात बताना चाहेंगे? देखिए, सड़क सुरक्षा का जो विषय है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसमें सरकार के कई विभाग जुड़े हुए हैं। एक तो सड़क निर्माण करने वाला विभाग है, जैसे PWD, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, ये हैं एक तरफ, या एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है। दूसरी तरफ जो वाहनों के नियमन का कार्य है, उनके रेगुलेशन का कार्य है, वो परिवहन विभाग देखता है और पुलिस विभाग देखता है। तीसरा, यदि कहीं दुर्घटना हो जाती है तो उस पर उसको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, इस नाते स्वास्थ्य विभाग भी इस विषय से जुड़ा हुआ है। साथ ही देखिए, गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, इसका कारण कभी कभी मतलब प्रायः मैं कहना चाहूँगा, प्रायः जो है वो ड्राइवर की अपनी या तो जानकारी का अभाव या उसकी लापरवाही उसके कारण होता है। तो ये एक तरह का बिहेवियरल इशू भी है। तो इस बिहेवियरल चेंज के लाने के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो शिक्षा विभाग भी इससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये कई विभाग जुड़े हुए हैं। हम लोग इन सभी पहलुओं पर कार्रवाई कर रहे हैं और आशा है कि इसमें जो है सड़क सुरक्षा के हमें इस कार्रवाई का लाभ मिलेगा शीघ्र ही। तो आपको अंदाज़ा है कि मतलब अनुमान है आपका कि दुर्घटनाएं जो हो रही हैं उसकी थोड़ा सा उसमें कमी आएगी अगर आप? जी, प्रयास इसी दिशा में है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे जो सड़क निर्माण हमारी संस्थाएं हैं उनको कहा गया है कि वो अपने जो ऐसे स्थान जहाँ पर दुर्घटनाएँ विगत वर्षों में हुई हैं तो उनको चिन्हित करें, उनको हम लोग ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं। उन स्पॉट्स पे जाके वो निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि क्या रोड आर्किटेक्चर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, टेक्निकल फॉल्ट है, जिसकी वजह से वहाँ पर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए रोड सेफ्टी ऑडिट की भी व्यवस्था कराई गई है और PWD विभाग ने पूरा इसका काम शुरू भी कर दिया है और वो अपने सभी जो है ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पे रोड सेफ्टी ऑडिट कराएंगे और उस ऑडिट में जो भी सुझाव आएंगे उसके अनुरूप जो है वहाँ पर रोड आर्किटेक्चर चेंज करेंगे। इसके अलावा जगह जगह पर संकेत चिन्ह लगाने का है, प्लस जो नई सड़कें बन रही हैं उसमें देखिए, पहले जब उतनी कॉन्शियसनेस नहीं थी रोड सेफ्टी के इशू को लेकर के, तब जो डिज़ाइनिंग के समय रोड सेफ्टी वाले इशूज़ शायद ओवरलुक हो जाते थे, लेकिन अब जो है कंपलसरी कर दिया गया है कि जो हमारी बड़ी सड़कें हैं उन पर कंस्ट्रक्शन के समय ही हम रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी मानक प्रैक्टिसेस हैं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही हम रोड की डिज़ाइन करें। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद धीरज साहू जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू जी। धीरज जी, जिस तरह से आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हों कॉमर्शियल व्हीकल्स की हम बात कर लें, तो उनकी फिटनेस को लेकर के पहले मैनुअल सिस्टम था, लोग घर बैठे फिटनेस उसकी मंगवा लेते थे या किसी भी तरह से उसको कागज़ बनवा लेते थे। क्या इस की तरफ सरकार कोई ध्यान दे रही है कि फिटनेस व्हीकल्स की होनी चाहिए, इसके लिए क्या सख्त कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, फिटनेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अगर गाड़ी अनफिट है तो दुर्घटना होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ट्रक, बस या टैक्सी, पैसेंजर टैक्सीज, इनके लिए फिटनेस चेक कराने का जो, अगर गाड़ी 8 साल तक की है तो हर 2 वर्ष में एक बार, उसके बाद 8 वर्ष के बाद हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष उसको फिटनेस चेक करानी होती है। ये व्यवस्था तो लागू है, लेकिन ये व्यवस्था पहले मैनुअल थी। मैनुअल व्यवस्था में जैसा कि आपने कहा, उसमें कुछ स्वाभाविक रूप से कमियां थी, लोग मैनिपुलेट करके उसको उल्लंघन करते थे। तो सरकार ने इस बात का आभास करते हुए फिर एक अब ये डिसाइड किया है कि शहरों में इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर खोले जाएँ। ये इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगे, वहाँ पर गाड़ी आएगी, मशीनें चेक करेंगी और जो भी टेस्ट का रिज़ल्ट होगा वो मशीन में ऑटोमेटिकली आएगा और वो उससे शीट जो है, रिज़ल्ट शीट जनरेट होगी।
इस प्रकार से जो मैनिपुलेशन वाली स्थिति खत्म हो जाएगी। जो आपने सेंटर्स बताए सर, ये सेंटर कहाँ बनेंगे? अभी इसका सबसे पहला सेंटर जो है लखनऊ में बन के लगभग तैयार हो गया है और आशा है कि कुछ दिनों में ही हम इसको जो है ऑपरेशनल बना देंगे। इसके साथ ही हमने दो अन्य शहरों में भी ये काम शुरू कर दिया है जहाँ पर इसका निर्माण चल रहा है, एक है आगरा शहर और दूसरा कानपुर, तो वहाँ पर भी ये चीज़ आएगी और दिखेगा। उसके बाद फिटनेस की, गाड़ियों की फिटनेस में एक क्वालिटेटिव चेंज आएगा। जैसे सर आपने कहा फिटनेस की बात करी, लेकिन जैसे दिल्ली सरकार की बात कर लें, दिल्ली में एक लागू हुआ था कि डीजल गाड़ियाँ जो हैं इतनी पुरानी नहीं चलेंगी, क्या इस तरह का यूपी में आप कोई कुछ इस तरह का लागू कराना चाह रहे हैं कि भाई 15 साल 16 साल 18 साल बाद या 8 साल बाद डीजल की गाड़ियाँ, कोई इस पर क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए NCR क्षेत्र में जिसमें यूपी का भी पार्ट आता है, वहाँ पर तो निर्धारित है कि 10 साल के अंदर गाड़ी डीजल की बाहर निकल जानी है और 15 साल के अंदर पेट्रोल की। स्कूलों की अगर बात कर लें तो स्कूल में जो बच्चों को ले जाने वाली वैन होती हैं उनमें हमने कई बार देखा कैपेसिटी से ज़्यादा वो बच्चों को बैठालती हैं और उनकी फिटनेस पे भी स्कूल प्रशासन भी ध्यान नहीं देता है, तो इसके लिए कोई सख्त कदम उठाएं क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। ये स्कूली वाहनों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार इधर विगत कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है और इस संबंध में हमने मई 2019 में एक अपनी नियमावली में नया अध्याय जोड़ा है जो कि पूर्णतः स्कूली वाहन के विषय पर ही है। इसमें हम लोगों ने ये व्यवस्था करी है कि प्रत्येक ज़िले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्कूल परिवहन सुरक्षा समिति एक बनेगी जो कि वहाँ पर चल रहे स्कूली वाहनों के सुरक्षित होने की बारे में जो है निगरानी करेगी। इसी प्रकार हम लोगों ने हर विद्यालय जो वहाँ पर स्कूली वाहन इस तरह के चल रहे हैं उनके स्कूल के स्तर पर भी एक समिति जो है अनिवार्य कर दी है जो कि स्कूल के प्रबंधन के अध्यक्षता में होगी और उसमें स्कूली बच्चों के गार्जियंस को भी मेंबर बनाया गया है, तो वो समिति भी देखेगी कि स्कूल प्रबंधन किस तरह की गाड़ियां लगा रहा है और क्या वो सही है, उसमें क्या सुधार होने चाहिए। इसके साथ ही स्कूली वाहनों की इंटेंसिव चेकिंग भी इस बार हम लोगों ने कराई है। प्रदेश में लगभग 46,000 स्कूली वाहन है और उसमें हमने प्रत्येक की चेकिंग कराई है और उसमें जो वाहन हमने अनफिट पाए उनके लाइसेंस भी हमने निलंबित किए हैं। अभी तक हम लोग ऐसे लगभग 900 लाइसेंस निलंबित कर चुके हैं प्रदेश में और आगे भी जो अनफिट गाड़ी हैं उनको अगर हम अनफिट पाते हैं। अब सर अगर बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है डग्गा मार वाहन जिसको कहा जाता है, जो अवैध वाहन चलते हैं, इनकी संख्या पूरे प्रदेश में देख लीजिए बहुत ज़्यादा है। इसमें जिम्मेदार RTO की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है, ARTO और RTO, ये दो नाम आते ही लोगों के मन में सबसे पहले करप्शन का नाम ऊपर आता है। जब भी RTO का नाम आता है तो लोगों की एक आम धारणा है कि अरे RTO के यहाँ तो RTO चेकिंग है, पैसे लेंगे छोड़ देंगे, तो इस धारणा को ख़त्म करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए इस बारे में सरकार का बड़ा सख्त रवैया है और बड़ा दृढ़ निश्चय है कि इसमें किसी तरह के करप्शन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो डग्गा मारी की बात कही, पहली बात डग्गा मारी है क्या चीज़। डग्गा मारी का मतलब ये नहीं कि गाड़ी बिना परमिट के चल रही है, डग्गा मारी का एक मतलब ये भी होता है कि गाड़ी परमिट कंडीशन की वायलेशन पर चल रही है, उस पर भी हम लोग पेनल्टी लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत कुछ समय में इस पर जो सख्ती हुई है उसकी वजह से हमने गत वर्ष के सापेक्ष 30% अधिक चालान किए हैं और उस पर बड़ी एक आप अगर कहें तो क्रैकडाउन हो रहा है जो कि डग्गा मार वाहनों के ऊपर और रोकने के लिए उनको। साथ ही साथ हम उस पर ये भी देख रहे हैं कि अगर ये वाहन चल रहे हैं तो इसका मतलब कोई अनमेट नीड है जो ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि हमारी व्यवस्था पूरी नहीं कर पा रही है, तो इसके संबंध में भी बड़ा विस्तार से चर्चा हुई है विभाग में और ये महसूस किया गया है कि हम इन वाहनों को, जो निजी वाहनों को हम एक मुख्य धारा में लाएं और उसमें एक इसका एक विकल्प ये है कि जो हमारा राज्य सड़क परिवहन निगम है उसमें हम प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसों को अनुबंधित करें, निगम अपनी बसों की संख्या में वृद्धि करे जिससे कि हम एक सुरक्षित माध्यम जनता को परिवहन के लिए उपलब्ध करा सकें। बिल्कुल
आपने जैसे बसों की बात करी उसके अटैच करने के लिए, सिंपल अभी की जो मौजूदा समय की जो स्थिति है, सपोज़ करिए कि जो वाहन पकड़े जाते हैं, बसें जो दिल्ली जा रही हैं, उनका ये कहना है कि साहब परमिट हमको RTO से मिलता है, परमिट हमको गवर्नमेंट दे रही है, उसके बाद भी हम उस रूट पे व्हीकल नहीं चला पाते हैं, हमें पकड़ लिया जाता है, हमें पेनल्टी करी जाती है, उसके बाद पेनल्टी भरने के बाद फिर हमें छोड़ दिया जाता है। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टिव है एक तरह से, अगर देखिए कि परमिट भी दे रही है सरकार और उसके बाद उसको रोक भी रही है, इसको कैसे आप दूर? मनीष जी, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एक्चुअली जो परमिट देते हैं हम लोग, दो तरह के परमिट देते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, दूसरा होता है स्टेज कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में जो बस है वो एक समूह को एक साथ ले जाती है, वो समूह किसी ना किसी नाते एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक सिंगल समूह है, उसको ले जा रही है और वो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट है। दूसरा होता है, ये किसी भी रूट पे चल सकती है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। दूसरा होता है स्टेज परमिट। स्टेज कैरेज परमिट जो होता है वो निर्धारित रूट पे दिया जाता है और उसमें जो बस है बीच में एक जगह से यात्रियों को उठाती है और बीच में अपनी यात्रा के बीच के विभिन्न पॉइंट जो कि उसके परमिट में लिखे रहते हैं उन स्थानों पर यात्री को उतार सकती है और वहाँ से नए यात्री बैठा सकती है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट वाला व्यक्ति स्टेज कैरेज की तरह अपनी गाड़ी चला रहा है तो वो परमिट कंडीशन का वायलेशन है और फिर वो पेनल्टी के लिए भागीदार हो जाता है। ओके, परमिट की आपने बात करी, एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बात कर लें तो लंबे समय से ऑटो टैक्सी जो होती हैं, थ्री व्हीलर, इसको लेकर के बड़ा ये था कि साहब परमिट नहीं है और हमें 4 लाख 6 लाख रुपए हमने दिया, वो हमने परमिट ले लिया, जितनी ऑटो की कॉस्ट नहीं होती है उससे ज़्यादा लोग परमिट खरीदने में लगा देते हैं। नहीं, ये धारणा तो मैं कहूँगा कि गलत है। इसमें परमिट के लिए भी हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी है और उसके तहत ही परमिट दिया जाना है। तो और फर्दर अभी इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 सर्विसेज हैं, 10 सर्विसेज विभिन्न प्रकार की जो कि परमिट से जुड़ी हुई हैं, उनमें से 6 हमने ऑलरेडी कंप्यूटराइज कर दी हैं और 4 शेष भी जो है उनको जल्द ही कंप्यूटराइज करने की प्रक्रिया में है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की शिकायतों का फिर कोई स्कोप नहीं रह जाएगा आने वाले समय में। अभी अगर सर मौजूदा समय की बात कर लें, अगर आज कोई टैक्सी लेता है, मान लीजिए सपोज़ करिए किसी के पास परमिट है, कई बार भाई एक कॉकस है पूरे RTO ऑफिस में, आप भी जानते हैं, पूरा एक पुराना चला आ रहा है कि बाबू अपने जो वहाँ के क्लरिकल स्टाफ है वही 10 परमिट लेके रखे हुए अपने घर वालों के नाम से, उसके बाद उसी को वो बेच देता है 8 लाख 4 लाख 3 लाख 2 लाख जो भी उसको मिला है। तो इस व्यवस्था को अभी फ़िलहाल कैसे आप रोकेंगे? देखिए, इस तरह के मामले जब कभी प्रकाश में आते हैं तो हम लोग इस पर बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे और मैं अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता हुआ पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी जो है वो त्रुटि कर रहा है एंड वो किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू जी से बातचीत का दौर जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू जी। धीरज साहू जी, जिस तरह से RTO ऑफिस में अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर लें तो ड्राइविंग टेस्टिंग एक उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पहलू है। जो टेस्टिंग हम लोगों ने भी पहले लाइसेंस बनवाए, कई साल गुजर गए लेकिन टेस्टिंग के लिए कभी आम आदमी नहीं जाता था RTO ऑफिस में कि हम गाड़ी चला करके दिखाएं, वो एक सुविधा शुल्क था उसके लिए और वो जाता था और ड्राइविंग लाइसेंस हम लोगों को मिल जाता था। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या कोई कदम उठाया आपने? देखिए, ये आपने जो प्रॉब्लम बताई इसी को देखते हुए अब सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाएं। इसमें यह है कि प्रॉपर ट्रैक होगा। आज की तारीख में देखिए, जो हमारे पास कहीं टेस्ट ट्रैक्स नहीं हैं तो जहाँ पर अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कोई आदमी आ भी रहा है तो उसकी ड्राइविंग स्किल देखने के लिए सड़क पे ही चलवा देता था। अब जो ये हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टेस्ट ट्रैक्स बनाएंगे, स्पेशली डिज़ाइंड होंगे, उसमें जो जिन आकृतियों पे उनको चलाना पड़ेगा वो एक साइंटिफिकली अप्रूव डिज़ाइंस हैं, उस पर चलाएँगे और जो उसका परफॉर्मेंस है ड्राइवर का उसको सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटराइज्ड वे में चेक किया जाएगा और उसका कहां पर उसने फाउल किया, कहां पर सही चलाया,
क्या उसकी गति थी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मशीन ही उसको एसेस करेगी और उसका रिजल्ट भी बनेगा। जब ऐसा होगा तो जो पहले डिस्क्रिशन की एक गुंजाइश रहती थी वो समाप्त हो जाएगी और टेक्निकली रूप से बिल्कुल शुद्ध रिजल्ट जो है आदमी का मिलेगा ड्राइविंग स्किल का। इस तरह के हमारे दो टेस्ट ट्रैक्स रेडी हो गए हैं, एक कानपुर में और बरेली में, और इनको हम शीघ्र शुरू करने की प्रक्रिया में हैं। इसमें हमारे ऑपरेटर्स जो हैं अपॉइंट हो जाएंगे और उसके बाद हम जो है ये टेस्ट ट्रैक शुरू कर देंगे। इसी तरह से साथ साथ हमने 15 स्थानों में प्रदेश में जो ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी शुरू किए हैं, वहाँ पर भी ट्रैक्स हैं जहाँ पर जो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो जाके अपनी ड्राइविंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और फिर हम वहाँ पर टेस्ट भी उनका लेंगे इसी तरह से कंप्यूटराइज्ड मेथोडोलॉजी से। ये जो आपने इंस्टीट्यूट की बात करी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपने खोला है, तो ये क्या गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जा रहे हैं? इसका क्या शुल्क होगा, क्या किस तरह से इनको अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो कैसे ज्वाइन कर सकते? हाँ, ये गवर्नमेंट की ओर से ही बनाए जा रहे हैं और इसका शुल्क एक सरकार निर्धारित करेगी। अभी चूंकि ये निर्माणाधीन है, शुल्क की स्टेज पे जब ये तैयार हो जाएंगे उस स्टेज पे जब हम आएंगे तो इसका शुल्क निर्धारण भी करेंगे और आदमी आके अपनी जो स्किल्स को चेक कर सकता है कि वो किस लेवल तक पहुंचा है। क्या ड्राइविंग लर्निंग भी आप उस इंस्टीट्यूट के तहत दी जाएगी? देखिए, ड्राइविंग लर्निंग जो है वो पूरी तरह से तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उसमें एक इंस्टीट्यूट जो है पूरे जनपद के लिए नहीं वो सफिशेंट होगा। इसके लिए प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन जब हमें जो जो कैंडिडेट्स हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं उनको मालूम होगा कि किस तरह के टेस्ट ट्रैक पे जो उनके टेस्ट होगा तो वो वहाँ पर जाके देख सकेंगे, एक तरह से अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग ले सकेंगे, तब उनको एक सही ढंग से ड्राइविंग स्किल्स अपना एसेस कर पाएंगे। ये जो इंस्टीट्यूट आप बता रहे हैं ये कब तक सर लागू हो सकते हैं, कब तक सुचारू रूप से? ये देखिए, कुछ इंस्टीट्यूट्स तो हमारे इसी वर्ष शुरू होने की संभावना है, इसमें गोरखपुर और वाराणसी जो है अग्रणी स्टेज पर है और अन्य स्थानों के जो हैं वो अगले वर्ष शुरू होने की संभावना। सर, जहाँ तक अगर हम अदर स्टेट की बात कर लें, यूपी के लोग बाहर जाने के लिए कहीं ना कहीं उनको साधन नहीं मिलता था, गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, लेकिन बसों का संचालन कुछ अन्य राज्यों में भी किया गया है यात्रा को सुगम बनाने के लिए। क्या किन किन राज्यों में और ये व्यवस्था जल्दी लागू करेंगे आप, जहाँ यूपी के लोग जा सकें दूसरे राज्य में वहाँ कहीं घूमने की अगर बात कर लें, तो किन स्टेट्स को आप मुख्य रूप से जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसको और कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट बनाने के लिए हम लोगों ने अन्य राज्यों के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं, और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि विगत दो वर्षों में हमने नॉर्थ इंडिया के पर्टिकुलरली जो स्टेट्स हैं लाइक जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इनके साथ हमने एग्रीमेंट्स किए हैं और राजस्थान के साथ भी किया है। कुछ अन्य स्टेट्स हैं जिनके साथ हम करने की प्रक्रिया में हैं, फॉर एग्जांपल गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ से भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं तो या हमारे लोग वहाँ जाते हैं, तो इनके लिए भी, इन स्टेट्स के लिए भी हम लोग प्रक्रिया में हैं और इनसे हाथ करार करेंगे। इसके हो जाने से हमारी जो बसों का संचालन है वो आसान हो जाएगा ऑपरेटर्स के लिए। सर, आखिरी सवाल, एक जो महत्वपूर्ण सवाल था वो छूट गया, आरटीओ की तैनाती को लेकर के कई बार सवाल उठते हैं। सपोज़ करिए एनसीआर, नोएडा, ये सबसे क्रीम पोस्टिंग मानी जाती है आरटीओ की तैनाती में, क्या इस बात को आप मानते हैं? देखिए, किसी पोस्टिंग को क्रीम कहना और नॉन क्रीम कहना गलत होगा, लेकिन ये बात निश्चित तौर पर है कि अगर जो जनपद में नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे वहाँ परिवहन भी ज़्यादा होगा, परिवहन की आवश्यकताएँ ज़्यादा होगी, परिवहन से जुड़े हुए काम ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर एक जिम्मेदारी अधिकारी की ज़्यादा बड़ी हो जाती है। प्लस शहरी क्षेत्र में एक जीवन का स्तर बेहतर होता है, तो अधिकारी है उसका जो पारिवारिक जो आवश्यकताएँ हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों परिवार का स्वास्थ्य है, उसकी देखरेख आसानी से हो जाती है, तो ये निश्चित एक स्वाभाविक सी बात है कि आदमी प्रेफर करता है कि वो किसी बड़े शहर में पोस्ट हो। अब उसमें पोस्टिंग की जाती है, उसके अंदर जो जो सरकार समझती है कि सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति है उसी की पोस्टिंग की जाती है उस स्थान पर। सर, केन्यू से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू जी, जिन्होंने साफ तौर से
उन बिंदुओं को रखा जिससे सड़क सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा सबसे मुख्य मुद्दा इन्होंने बताया कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों की जान की रक्षा करना। इसको लिए उन्होंने खुद नागरिकों की जिम्मेदारी की भी बात कही, साथ में जो स्कूल वैन्स हैं उनमें बच्चों को जिस तरह से उनके लिए जो उन्होंने नियम बताए लगातार चेकिंग भी कर रहे हैं। आम आदमी की अगर बात कर लें तो ड्राइविंग लाइसेंस हो या गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की, इसको लेकर के भी परिवहन विभाग लगातार नए नए प्रयोग कर रहा है, नए योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने की तैयारी में है, जुटा हुआ है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट विभाग की एक नई छवि देखने को मिलेगी और आम नागरिक बेहतर सुरक्षा महसूस कर सकेगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।